दसवीं कक्षा प्रश्नावली 5.2 का 11वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन इस प्रकार है, एक समांतर श्रेणी आपको दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, यानी कि हमें पहले 54वां पद पता होना चाहिए, फिर उससे 132 अधिक यानी 132 में जोड़ दे, उसके बाद जो पद मिलेगा उस पद की संख्या हमने ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 54वें पद को ज्ञात करेंगे, फिर उससे 132 अधिक देखेंगे। फिलहाल 54वां पद ज्ञात करने के लिए मुझे ए और डी चाहिए। ए हमारा होता है पहला पद, ए बराबर है हमारे पास 3। ठीक है, पहला पद है हमारा 3। डी का मान हम देखते हैं, डी होता है पदों के बीच का अंतर, तो 15 में से 3 गए, यह हुआ 12, तो डी का मान है 12। अब हमने निकालना है 54वां पद, यानी कि ए 54, तो ए 54 होता है ए प्लस 53 डी हो जाएगा, nth टर्म लिखेंगे जब इसकी हम, तो ए और डी का मान यहाँ पे रख देता हूँ मैं, ए है मेरे पास 3 और 53, डी का मान है 12, तो ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 5 60 और 3 63, 636 और 3 इधर प्लस में है, तो ये हो जाएगा 639। तो ये तो आया मेरे पास, अभी कौन सा पद निकाला मैंने, 54वां पद, अब इससे 132 अधिक, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं 54वें पद से 132 अधिक, यानी 639 में मेरे को 132 जोड़ देने हैं, तो ये हो जाएगा 9 और 2 11, 3 3 6 और 1 7 और 6 और 1 7, 771। तो जो 54वें पद से 132 अधिक है वो पद है 771। अब इसका मुझे पद बताना है कि ये कौन सा पद होगा श्रेणी का, 54वें पद से 132 अधिक जो पद आया है वो कौन सा पद है, तो 771 कौन सा पद है ये मेरे को निकालना है, यानी कि जो nth टर्म है मेरे पास कितनी है 771। तो मैं यहाँ पे n का फार्मूला खोल दूंगा, ये 3 + n - 1 इंटू डी 12। तो 3 पहले उधर जाके माइनस का हो जाएगा, n माइनस 1 12 यहाँ पे गुना में 771 माइनस 3, तो n माइनस 1 771 में से अगर 3 घटाए हम तो ये हो जाएगा 768। ठीक है, और 12 यहाँ पे गुना में था, अब आ जाएगा ये भाग में, तो अगर इसको हम भाग करें अब ये हो जाएगा 12 6 72 और 76 में से 72 गए, 4 बचा 48 बचा, यहाँ पे 12 4 48, तो n माइनस 1 बराबर आया है 64 और n का माना जाएगा यहाँ पे 64 + 1 यानी के 65। यानी के इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक जो पद है वो 65वां पद है। ठीक है, 771 इस श्रेणी का 65वां पद है, यही हमने ज्ञात करना। ठीक है, ये था क्वेश्चन 11वां। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था।